आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा सर, आरसीएम की कोई इन्वर्ट सप्लाई ली थी, उसका जो टैक्स जमा करा है ना वो आज जमा कराए, तो क्या मैं उस पर आईटीसी ले सकता हूँ या नहीं? भैया हुआ क्या, इस चीज को समझना, आपको कोई आरसीएम की इन्वर्ट सप्लाई थी 19-20 में ली थी, 20-21 में ली थी, 22-23 में ली थी, ठीक है ना। अब मुद्दा ये आ रहा है कि सर उस पे ना टैक्स जमा करना भूल गए थे, अब हम आज की डेट में अप्रैल मई 2024 में अगर उस पर आरसीएम में टैक्स जमा कर देते हैं तो क्या हमें उस पर आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा? भाई इस बात को समझो, अगर हम आपके आईटीसी की बात करते हैं कि भाई आरसीएम का टैक्स जो था वो था फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, 22-23 का, लेकिन आप आज पे कर रहे हो, आज आईटीसी ले रहे हो, तो तुम्हें दिक्कत कौन कर रहा है? सेक्शन 16(4) आपको दिक्कत कर रहा है। सेक्शन 16(4) ये कहता है नहीं भाई साहब, आपको आईटीसी एक पर्टिकुलर डेट तक लेना, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही है कि सर टैक्स की पेमेंट तो हमने आज ही करी है, जब टैक्स की पेमेंट हमने आज ही करी है तो हमारा राइट जो है आईटीसी लेने का वो तो आज ही अराइज हुआ है, तो सेक्शन 16(4) हमें मना कैसे कर सकता है? तो यहां पर इस चीज को समझना, जब भी कभी हम आरसीएम की आईटीसी की बात करते हैं तो आपको दो सेक्शनों पे ध्यान देना होता है। पहला सेक्शन होता है सेक्शन 16(2)(c). सेक्शन 16(2)(c) क्या कहता है? सेक्शन 16(2)(c) सिंपली इस चीज को कहता है कि भैया इस बात को आप समझ लो कि आपको आईटीसी तभी मिलेगा जब आप पेमेंट कर दोगे, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा मुद्दा ये है, क्या सेक्शन 16(2)(c) आरसीएम के केस में भी अप्लाई होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। तो इस बात को समझना कि आरसीएम के केस में पेमेंट की बात कहां लिखी हुई है। तो भैया आरसीएम के केस में पेमेंट की बात लिखी हुई है कहां पर? रूल 36 में। मैं आपके सामने यहां पर दिखा रहा हूं रूल 36। सर ये आप कहां से दिखा रहे हैं भैया? सर ये वाली जो बुक है हमारी आरसीएम की बुक है, अगर आपने अभी तक परचेज नहीं करी है तो फटाफट से इस बुक को परचेज कर लो। इस बुक के अंदर हमने ये सारी डिटेल डिस्कशन में यहाँ पर लेकर आए हैं। तो अगर मैं आपको इस बुक के अंदर दिखाऊं तो हमने यहाँ पर इसमें आईटीसी का डिस्कशन करा, जहां पर हमारे को क्या कहता है कि अगर आप आरसीएम का आईटीसी लेने की बात करते हो, अगर आप आरसीएम का आईटीसी लेने की बात करते हो तो यहाँ पर हमारे को क्या कह रहा है कि रूल 36 जरा ध्यान से पढ़ना, ये कहता है कि अगर कोई इनवॉइस है और वो सेक्शन 31(3)(f) के अंदर, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, सेल्फ इनवॉइसिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको आईटीसी लेना सेल्फ इनवॉइसिंग के बेसिस पर तो आप तभी ले सकते हो जब आपने टैक्स की पेमेंट कर दियो। तो भैया ये वाली टैक्स की पेमेंट की बात सेक्शन 16(2)(c) में नहीं लिखी, ये वाली बात कहां लिखी है? रूल 36 में लिखी है। तो इसका मतलब ये समझो, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन था, ठीक है ना, जिससे आपने कोई आरसीएम की इन्वर्ट सप्लाई ले ली थी, उस पर आपको टैक्स जमा करना था और आप भूल गए, तो अगर अब आप उसे जमा करते हो तो आपको आईटीसी कब मिलना है? जब आप टैक्स की पेमेंट कर दोगे। तो भैया टैक्स की पेमेंट मैंने कब करी? टैक्स की पेमेंट करी मैंने 2024 में। जब मैंने टैक्स की पेमेंट 2024 में करी, लेकिन मेरी लायबिलिटी कब थी? मेरी लायबिलिटी थी 2022 में, लायबिलिटी थी 2022 में, पे करी 2024 में। अब सेक्शन 16(4) आपको मना कर देगा, सेक्शन 16(4) कहेगा नहीं भाई साहब 22 के बिलों का कैसे ले सकते हो। भैया इस बात को समझो, इस वाले केस में तो मुझे सेल्फ इनवॉइस बनाना था, और जब मुझे इस वाले केस में सेल्फ इनवॉइसिंग करनी थी तो मैंने आज सेल्फ इनवॉइसिंग कर दी, तो क्या 16(4) लगेगा या नहीं लगेगा, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। क्योंकि यहां पर हमने, ठीक है ना, यहां पर हमने हर बार इस चीज को बोला है कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि भाई 16(4) कहां लगता है कहां नहीं लगता। और यहां पर इस चीज को समझो कि क्या 16(4) की जो टाइम लिमिट की एप्लीकेबिलिटी है वो कहता है एनी इनवॉइस पर लगेगी। किस पे लगेगी? एनी इनवॉइस पर। तो क्या इस एनी इनवॉइस के अंदर सेल्फ इनवॉइसिंग भी कवर होगा या नहीं होगा, पहला मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा ये है कि जरा इस चीज को समझो कि जब मेरी जो आईटीसी का राइट है
वो ही बाद में राइज हुआ, तो क्या 16-4 मुझे मना कर सकता है? तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इसमें ये कहती है कि इस वाले केस में टाइम लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्यों नहीं होगा? देखिए, सिंस आईटीसी अवेलमेंट राइट इज डिपेंडेंट ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स एलिमेंट, कि भाई आईटीसी का राइट कब आया? जब हमने टैक्स के एलिमेंट की पेमेंट करी टू द गवर्नमेंट। सिचुएशन हैज राइजन वेयर द सच आरसीएम इज बीइंग पेड बाय द रिसीपिएंट टू द गवर्नमेंट मच आफ्टर द टाइम लिमिटेशन डिटरमाइंड अंडर द रेफरेंस टू द डेट इनवॉइस फॉर द सप्लाई। इन सच सिनेरियो राइट ऑफ आईटीसी अवेलमेंट इटसेल्फ राइजिंग एज ए डेट मच लेटर डेट। तो यहां पर जो हमारा राइट अराइज हुआ वो बाद में अराइज हुआ। 2022 में मेरे पास राइट ही नहीं था आईटीसी लेने का। क्यों नहीं था 2022 में आईटीसी लेने का राइट? क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट नहीं करी थी। और गवर्नमेंट टैक्स की पेमेंट किस लिए कह रहा था? वो सेक्शन, ठीक है, 16(2)(c) में नहीं कह रहा था, वो कहां पर कह रहा था? मेरे को रूल 36 में कह रहा था। तो यहां पर इस चीज को समझना कि इस वाले केस में मैं आईटीसी आराम से क्लेम कर लूंगा। आराम से का मतलब क्या है? कि अगर छोटा मोटा आईटीसी है, अगर आप उसे क्लेम करोगे तो नोटिस आ सकता है, और अगर आपका बड़ा आईटीसी है आपको नोटिस आएगा तो फाइट करना पड़ सकता है। आपको जो जो चीजें मैंने बताई है ये चीजें आपको वहां पर बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर आप ये सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं तो हमने ये आरसीएम का पूरा कोर्स है हमारा, आप उसे परचेज कर सकते हैं ऐप से जाकर। और दूसरी चीज, हमारी ये बुक है आरसीएम की, आप इसे परचेज कर सकते हैं, इसमें हमने डिटेल में डिस्कशन करा है। तो आप इस वाले केसेस में एक बार रिस्क लेकर अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, हालांकि लिटिगेशन का मुद्दा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका आईटीसी अमाउंट ज्यादा है जिसे आपने अभी पे करा है तो आप अभी अपना क्लेम कर ले। तो सर ये वाला जो आरसीएम है हम कैसे पे करें? एक मुद्दा ही आता है, क्या सर हम इसे DRC 03 से पे करें? नहीं भैया, इसे DRC 03 से मत करना। अगर आप इसे DRC 03 से करोगे तो दिक्कत आएगी, आप इसे 3B से ही पे करो और 3B के ही अंदर क्लेम करो। जब कभी आपको नोटिस आए तो आप सिंपल बोल दो कि इस वाले आरसीएम पर सेक्शन 16(4) आपका नहीं लगेगा, ठीक है ना। इस वाले आरसीएम पर सेक्शन 16(4) नहीं लगेगा। अगर आपका इस जो व्यू पॉइंट है वो सॉलिड हुआ तो आपको आईटीसी मिल सकता है। आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना कि आपको इस केस में आईटीसी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ठीक है जी। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।